हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे G7 के सदस्यों को याद करने की ट्रिक। हाल ही में आपको पता है G7 का 47वां सम्मेलन हुआ था UK में, और हो सकता है ऐसे कोई क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए। तो वैसे G7 के कौन कौन से मेंबर हैं? ये हैं आपके ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। अब इन कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक क्या है, G7 के इन मेंबर्स को याद करने की ट्रिक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक है, 7 सदस्य बैग में फ्रिज रख के कनाडा गए। 7 सदस्य बैग में फ्रिज रख के कनाडा गए। अब 7 सदस्य, इससे तो आपका हो जाएगा G7, ठीक है। बैग से क्या हो जाएगा, बैग से आपका हो जाएगा, बी से आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ए से आपका हो जाएगा अमेरिका, जी से आपका हो जाएगा जर्मनी। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज से FR आपका कर देगा फ्रांस, आई से आपका हो जाएगा इटली, जे से आपका हो जाएगा जापान, और कनाडा से कनाडा हो ही जाएगा, ठीक है। तो बात करें अगर हम G7 की, तो G7 का जो मूल गठन हुआ था वो आया था 1975 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, UK जो है इस G7 के मेंबर है। 1998 में रूस भी जो है इस G7 का मेंबर बन गया था, और G7 फिर बन गया था आपका G8 ग्रुप ऑफ 8। हालांकि जब 2014 में जब रूस ने अपने सैनिक जो है पूर्वी यूक्रेन में जब स्थानांतरित किए थे, तो G8 के जो है बहुत से मेंबर थे, इन्होंने इसकी जो है भारी आलोचना करी थी, और उसके बाद रूस को इस G8 ग्रुप से बाहर कर दिया था, और फिर G8 2014 में दोबारा से G7 बन गया था। हाल ही में हुए 47 G7 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो ये जो है 11 और 13 जून के बीच में, 11 से 13 जून के बीच में ये जो है कॉर्नवालिस बे, कॉर्नवाल, UK में ये आयोजित किया गया था, और ये पहला सम्मेलन था 2 साल में जो कि फिजिकल रूप से कंडक्ट किया गया था, क्योंकि 2 साल में पेंडेमिक की वजह से ये जो सम्मेलन हो रहे थे वो वर्चुअल तौर पर हो रहे थे। भारत ने भी इसको वर्चुअल तौर पे भारत ने, यानी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शिखर सम्मेलन का वो हिस्सा वो बने थे। ओके, कोई क्वेश्चन इससे पूछ दिया जा सकता है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक कवर किया है। इसी तरह की ट्रिक की वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इसी तरह की ट्रिक्स की वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।